वर्मी चिली। वर्मी चिली ये मैम क्या है, ये आइटम ये मतलब क्या है? ये जो है वो अपनी सेवई आज जो आती है। अच्छा वो तो स्वीट हम जो सेव है ना वही है। अच्छा तो आज हम उसको सेवरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा जिसको बोलते हैं वर्मीसिली उपमा। वर्मीसिली उपमा ओके। ये भी मतलब कुछ नया आइटम है? हाँ जी। तो वो आपके जो नॉर्मल रवा की उपमा बनती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। वर्मीसिली से बनेगी और उसमें भी वेजीज आएंगे और घर के मसाले से ही बनती है। घर से मसाले हाँ। तो आप उसको एक देसी नूडल की तरह ले सकते हैं। देसी नूडल्स की तरह। अच्छा ये भी हेल्दी रहेगा इंस्टेंट क्योंकि नॉर्मल सेवैया जो हमारी आती है उससे ही बनता है। पहले तेल डाल के वेजीज और वर्मीसिली को सौते करेंगे और फिर उसमें मसाला करेंगे। ये मेरे मसाले हैं सारे। अभी इसमें वेजीज जाएंगे। हाँ सब इसमें वेजिटेबल काफी आते हैं मतलब। हाँ जी शिमला डाला हुआ ओनियन और ये गाजर भी आएगा उसमें। हाँ ओके। ये हल्दी आ गया, रेड मिर्च पाउडर, ये क्या है? थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अच्छा आमचूर पाउडर है ओके। सॉल्ट आ गया होता है। अब इसमें जाएगा पानी और फिर अब सारी चीजों को कुक करेंगे। इसको कुक होने लगे। अच्छा इसको कितना टाइम लगेगा अंदाजे? 3 से 4 मिनट। ओके। अच्छा तो ये बेसिकली साउथ इंडियन इंस्पायर्ड डिश है। ये साउथ इंडियन में भी वर्मीसिली उपमा बनता है okay. और वो लोग साउथ इंडियन मसाला और करी पत्ता दाल उस सब से बनाते हैं okay. तो उसका हमने ये हमारा वर्जन किया है कि जिसमें हमारे घर के मसाले होते हैं और वेजीज होता है। दैट्स इट। तो इसको अच्छे से कुक होने देंगे। थोड़ा सा नींबू जाएगा okay. टैंगीनेस आया अच्छी okay. ये कितने का मैम रहेगा प्लेट? ये सो ये भी 50 रुपीज का प्लेट रहेगा। ओके रेडी हो गया ये। हाँ जी सारी थोड़ी डिफरेंट डन है, थोड़ी डार्क चेंज नहीं है। हाँ जी 30 से हमारी 80 कोल्ड कॉफी कितना नहीं चाहिए? 40 हैप्पी जन्मदिन। हाँ तो ये आपका वर्मीसिली उपमा रेडी है। इंडियन स्टाइल मापा नानू नाम वर्मीसिली उपमा है।